क्या होगा? देखिए, पानी की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण योजना होती है। 940 करोड़ के आसपास योजना, इसका अपना बहुत बड़ा महत्व है। सैकड़ों गांवों तक पानी पहुंचेगा। हम ERCP को लागू करने में लगे हुए हैं, जिसे 13 जिले जो संकटग्रस्त है पानी को लेके, उन सब जगह पानी पहुंचे, सिंचाई की सुविधाएं हों। और आपको मालूम है कि एक बार बार मांग करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपकी घोषणा थी जयपुर और अजमेर के अंदर, तो हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की जो मांग पूर्व मुख्यमंत्री कर रही है, उसके ऊपर हम लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करेंगे। तो अब तो 3 साल तो हम मांग करते हो गए, तो उसमें अगर एक राष्ट्रीय परियोजना, पूरे देश में 16 परियोजनाएँ राष्ट्रीय परियोजना है, तो क्या राजस्थान एक भी नहीं है? तो एक योजना ERCP होती है, 13 जिले जो पानी के लिए संकटग्रस्त है उनको उसका लाभ मिलेगा। तो हम लोग बराबर दबाव दे रहे हैं। अब पता नहीं किन कारणों से हमें कह दिया गया आप काम बंद कर दो। बंद हम करेंगे नहीं, क्योंकि पानी राज्य के विषय है, देरी होगी और कीमत बढ़ जाएगी उसकी योजना की। कुल मिला के केंद्र सरकार राजस्थान का नवनेरा का जो बांध बन रहा है, इसरदा बन रहा है, हम चालू रखेंगे काम को, आगे बढ़ाएंगे। तो केंद्र सरकार धोखलापन कर रही है राजस्थान की सरकार? अब केंद्र सरकार के दिल के अंदर वो बता भी नहीं रहे हैं। वो कोई तो प्रेस में कहते हैं कि आप सिंचाई बंद कर दीजिए, कोई कहते हैं इसका रूप बदल दीजिए। ये योजना मैंने नहीं बनाई है, BJP ने बनाई है। BJP के नेता वसुंधरा जी मुख्यमंत्री तब की बनी हुई है, तो अब वो क्यों खोट निकाल रहे हैं? उस वक्त में जो एक्सपर्ट थे उनके साथ में श्री राम वेदेरे, वो वेदेरे साहब आपको आश्चर्य होगा, योजना को बनाने वाले यहाँ वही थे एक्सपर्ट के रूप में। वही आज जल संसाधन मंत्रालय जो है दिल्ली में मोदी जी का, उसमें वही एक्सपर्ट है, कॉमन एक्सपर्ट है जी। कोई कमी पेशी आप उन्हें समझ लीजिए, पर आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके हमें 90% पैसा देते हैं, योजना टाइम पे पूरी हो जाएगी, इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। इंडोनेशिया 1500 करोड़ की सौगात दी है आज, जैसे कई योजना और भी है, कॉलेज भी आई है, सड़कें बन रही है, मेडिकल कॉलेज भी कभी न कभी शुरू होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ओम बिरला जी पार्लियामेंट, आधा पैसा वो देते हैं, आधा पैसा हम लोग लगाते हैं, तो वो थोड़ा चाहते हैं हम लोग इन्वॉल्व हो जाते, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है।